गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इम्पोर्टेंट टर्म्स में आज हम लेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जैसे बास्तील। इट वॉज ए फोर्ट इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेरिस एंड वॉज यूज एज ए प्रिजन। इट वॉज ब्रोकन ऑन 14 July 1789 बाई द एंग्री मॉब। यह पेरिस के पूर्वी भाग में एक दुर्ग था और बंदी गृह के रूप में प्रयोग किया जाता था। क्रोधित भीड़ द्वारा इसे 14 जुलाई 1789 में तोड़ दिया गया। सेकंड है रूसो। ही वाज ए ग्रेट फिलोसोफर एंड राइटर ऑफ द बुक द सोशल कॉन्टेक्ट। रूसो एक महान दार्शनिक था, द सोशल कॉन्टेक्ट नामक पुस्तक का लेखक था। नेक्स्ट आबेसॉय। ही वाज ए लीडर ऑफ द नेशनल असेंबली विच वाज क्रिएटेड इन 1789। ही रोट एन इन्फ्लुएंशियल पंपलेट कॉल्ड व्हाट इज द थर्ड स्टेट। आबेसिए वह नेशनल असेंबली का नेता था जिसका गठन 1789 में हुआ था। उसने एक प्रभावशाली पैम्पलेट लिखा व्हाट इज द थर्ड स्टेट। नेक्स्ट है मार्सिलेस। नेशनल सॉन्ग ऑफ फ्रांस। मार्सिलेस कहा गया है फ्रांस का राष्ट्रीय गान। नेक्स्ट जैकोबिन। ए पॉलिटिकल क्लब ऑफ पीपल विच वॉज फॉर्म टू डिस्कस द गवर्नमेंट पॉलिसीज। लोगों का राजनीतिक क्लब जिसका गठन सरकारी नीतियों पर विचार विमर्श करने के लिए हुआ। मैक्समिलियन रोबेस्पियर पॉलिटिकल लीडर ऑफ जैकोबिन्स एंड रोल ओवर फ्रांस फ्रॉम 1793 to 1794। जैकोबिन का राजनीतिक नेता जिसने 1793 से 1794 तक फ्रांस पर शासन किया वो मैक्सिमिलियन रोबेसपियर था। 1774 कुछ डेट्स है। 1774 लुइस 16th बिकेम द किंग ऑफ फ्रांस फेस्ड एम्प्टी ट्रेजरी एंड द ग्रोइंग डिसकंटेंट विद द सोसाइटी ऑफ द ओल्ड रीजन। लुइस 16th फ्रांस का शासक बना। उसे खाली खजाना तथा प्राचीन शासन के समाज में बढ़ता असंतोष मिला। 1789 कन्वोकेशन ऑफ एस्टेट जनरल द थर्ड स्टेट फॉर्म नेशनल असेंबली। द बास्तील वाज स्टॉर्म पीजेंट्स रिवोल्टेड इन द कंट्री साइड। शासक की एस्टेट जनरल बुलाई गई। तृतीय स्टेट ने नेशनल असेंबली का गठन किया। बास्तील पर आक्रमण किया। किसानों ने गांव में विद्रोह किया। 1791 ए कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड टू लिमिट द पावर्स ऑफ द किंग एंड टू गारंटी द बेसिक राइट्स टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स। शासक की शक्तियों को सीमा में रखने के लिए तथा सभी मनुष्यों के लिए मूल अधिकार सुनिश्चित बनाने के लिए एक संविधान का निर्माण किया गया। 1792-93 फ्रांस बिकेम ए रिपब्लिक। द किंग वाज बीहेडेड ओवरथ्रो ऑफ द जैकोबिन रिपब्लिक के डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। फ्रांस गणतंत्र बना और राजा का सिर काट दिया गया। जैकोबिन गणतंत्र का तख्ता पलट कर दिया गया। डायरेक्टरी ने फ्रांस का शासन किया। 1804 नेपोलियन बिकेम द एम्परर ऑफ फ्रांस एनेक्ट लार्ज पार्ट्स ऑफ यूरोप। नेपोलियन फ्रांस का शासक बना और यूरोप के अनेक क्षेत्रों पर अधिकार
कर लिया। 1815 नेपोलियन डिफीटेड एट वाटरलू, नेपोलियन वाटरलू में पराजित हुआ। 1848 स्लेवरी वाज एपोलिस्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज, फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास्ता खत्म हुई। 1946 वुमेन इन फ्रांस वॉन द राइट टू वोट, फ्रांस में महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया। ये कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स है, कुछ वर्ड्स है, इनको अपनी नोटबुक में लिखेंगे, उसके बाद याद करेंगे।